आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में समर्थन मूल्य खरीदी में 10 करोड़ से अधिक के परिवहन फर्जीवाड़े मामले में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद घोटालेबाजों पर गाज गिरने शुरू हो गई है। नान जिला प्रबंधक को हटाने के बाद पिछले कई सालों से नान लेखापाल बनी आउटसोर्स कर्मचारी पूजा शुक्ला की सेवा ही समाप्त कर दी गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही नान वित्त प्रबंधक व पदस्थ कर्मचारी जिला प्रबंधक पर भी कार्यवाही होना तय है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एमडी तरुण पिथोड़े ने फर्जीवाड़े के समय पदस्थ रहे सभी नान जिला प्रबंधों की नाम सहित जानकारी मांगी थी। इससे प्रतीत होता है कि परिवहन ठेकेदारों से वसूली के पहले नान उन दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा जिनके शह पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब तत्कालीन कलेक्टर रीवा से शिकायत की गई थी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। उसमें भी हम एक शुड वी गो फॉर इट और आवर एसएमएस सिस्टम इज ओके, दिस इज व्हाट वी जस्ट वांट सम फीडबैक। दरअसल जिले में धान एवं गेहूं परिवहन के लिए एक सैकड़ा से अधिक खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं, जहां उपार्जित अनाज के भंडारण का कार्य एलआरटी के माध्यम से धान व गेहूं का परिवहन ठेकेदारों से कराया जाता है। परिवहन घोटाले में यह बात निकलकर सामने आई थी कि 30 किलोमीटर की दूरी को 130 किलोमीटर तक बनाया गया था, जिसका विभाग की मिली भगत से सहजतापूर्वक भुगतान भी कर दिया गया। पिछले 3 सालों के परिवहन की जांच में 10 करोड़ से अधिक का फर्जी भुगतान जांच रिपोर्ट में बताया गया है। 22 फरवरी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने 2 संभागों की बैठक ली थी। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा था कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि अभी कितने दागी अधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्यवाही की गाज गिरेगी। केवल रेवेन्यू मशीनरी ने कृषि मशीनरी को ही लगाया और उन्होंने बता दिया कि ये फसल लगी है नहीं लगी है और वैरायटी भी ली थी उन्होंने। एनी वे आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर वैरायटी, जस्ट इंश्योर की वो कर ले रहा है। जितना गेहूँ वो बेच सकता था बेच चुका है, तो इसका भी आप सत्यापन जरूर अपने स्तर पर करिए। ये डेटा ऑलरेडी सारी हो गया है, एसडीएम के तहसीलदारों के एसडीएम तहसीलदारों के बना दिए हैं, आप वेरिफिकेशन शुरू करवा दें। इनफैक्ट यहाँ तो